बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, जग जागरे के फिर ये हसीया जब तक कि मैं ना हूँ, जब तक कि मैं ना हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता रंजिश ही सही, दिल ही दुखा स्वागत है। और वादा के मुताबिक कि 6 महीना अगर आप प्रैक्टिस करें मेरे बताए अनुसार लेशन के तरीके से, तो आप दुनिया के किसी भी गीत में सुगम संगीत में तबला प्ले कर सकते हैं। तबला प्ले करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जो जितना मेहनत करेंगे, जो जितने तरीका के प्रकार को एक ही लेवल में एक ही बीट में कई प्रकार बजते हैं, कई फिर उसका रूप चेंज होता है, तो उस चीज़ को जो जितना करेंगे वो उतना ज़्यादा बेहतर प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन एक सिंपल वे में एक जो ठेका रखना होता है या किसी के साथ संगत करने की बात हो तो उतना तो हो ही सकता है। मेरे बताए अनुसार जो मैं लेशन दे रहा हूँ और लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग दूर दूर से भी महाराष्ट्र से जयपुर से सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा और शेयर करें, चैनल बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इस मंथ में चैनल रिव्यू के लिए भी जाएगा, तो थोड़ा आप लोग भी जोर लगा दें। बहुत सारे सॉन्ग्स भी हैं, बहुत सारे लेशन हैं, तो जो आपके सर्किल के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको जिस टाइप का चीज़ पसंद पड़े तो थोड़ा जोड़ें लोगों से, तो ये मेरा रिक्वेस्ट हमेशा से रहता है। आइए आज जो आप लोगों ने सुना अभी कहरवा का, मैंने 5 लेवल बताया, तो 5ों लेवल लगभग में, और फिर मैं नेक्स्ट दादरा का 2 लेवल बताने, अभी 1 लेवल बताऊँगा, फिर नेक्स्ट 1 लेवल और दादरा का 2 लेवल में काम चल जाएगा, रूपक का 1 लेवल होगा। तो ये लेशन देने का क्रम यहाँ पे इंड करने के बाद मैं पुनः दोबारा हर एक लेवल जो कहरवा का 5 लेवल मैंने बताया उसमें वेरिएशन, उसका तिहाई, उसकी खूबसूरती आप उसमें कैसे ला सकते हैं, ये सब चीज़ मैं फिर से उसमें शुरू करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एक जो श्रृंखला होता है, एक बार बीच में फरमाइश भी आया था कि बाहरों फूल बरसाओ में क्या बजाएँ, कोई कहते हैं कि रंजिश ही सही गज़ल है, बहुत टेढ़ा है थोड़ा सा उसमें क्या बजाऊँ, तो बीट लगभग में एक ही है, थोड़ा बहुत बजाने का वही जो मैं कहा तरीका में कुछ का चेंजिंग होता है, बाकी बेस चीज़ वही रहता है। तो ये ताल दादरा जो 6 मात्रे का ताल है, बहुत फेमस ताल है कहरवा के बाद, मुझे लगता है कहरवा के समतुल्य ही इसका भी लेवल है, तो दादरा का 2 लेवल बजता है, इसलिए इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस किया जा सकता है। कहरवा में तो 5 लेवल तक बजता है, दादरा में मैंने अभी तक 2 लेवल सोच रखा है कि 2 लेवल में काम चल जाएगा आपका। तो ये सबसे स्लो कहरवा जब स्लो बीट में बजता है, गज़ल मैक्सिमम गज़ल में जिस जो दादरा ताल की गज़ल है उसमें स्लो दादरा ज़्यादातर बजता है, बहुत सारे पुराने फिल्मी गीत में एक आध उदाहरण अभी मैंने बताया। तो दादरा ताल वैसे शुद्ध ठेका है, धा धी ना धा ती ना, धा धी ना और धा ती ना, अगर धा दी ना बजाते हैं तो आप लोग सिंपली ऐसे है धा धी ना, लेकिन ये चीज कहीं गीत में यूज नहीं होता है, बहुत कम, कभी कभी बीच बीच में एक क्षण के लिए आता है फिर चला जाता है। तो जैसे कहरवा में है कि धागे ना तीन दिन यूज नहीं होता है, उसी हिसाब से इसमें भी है। तो इसमें बजाना क्या है, बहुत सारे प्रकार हैं,
लेकिन एक जो सबसे फेमस प्रकार है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है और आप उसको लेके पहले स्टार्टिंग वाले, उसके बाद फिर इसमें भी परिवर्तन करूँगा। तो स्टार्टिंग में है जो अभी मैं बजा रहा था, बहुत सिंपल है, आराम से बजा लेंगे, थोड़ा फ्लेवर ध्यान रखें। धा धिन धा धिन टेटे, धा धिन टेटे या टेटे, दोनों में से जो सुविधाजनक हो, धा धिन टेटे, उल्टा ही ले टेटे, तो आराम से थोड़ा अगर इस लेवल का भी स्पीड अगर करना पड़े तो आराम से होता है। धा धिन टेटे, धा धिन टेटे, ताता, अब ताता में ये ले लें, थोड़ा सा जब माइक वगैरह लगेगा तो ये साउंड भी उसमें इफेक्ट करता है। धा धिन टेटे, ताता धिन्ना टेटे, ये बोल है। धा धिन टेटे, ताता धिन्ना टेटे, धा धीना धा, ये बोल है। धा धीना धा, इसका प्रकार बजेगा धा धिन टेटे, धा धिन टेटे। पहला विभाग में क्या क्या बजा, धा धिन टेटे, और दूसरा विभाग में ताता धिन्ना टेटे। तो इस हिसाब से धा धिन टेटे, ताता धिन्ना टेटे, अब धिन्ना में थोड़ा इसको दबाना है, धा तो धा मारना है, धा धिन टेटे, ताता धिन्ना टेटे, धा। अभी टेटे लेने से फायदा ये होगा कि जिनका तिरकिट कंप्लीट है वो हर एक टेटे के जगह बीच में वेरिएशन के तौर पर तिरकिट ले सकते हैं, वो एक ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस किया हुआ आपका वो प्रकार एक बन जाएगा। जैसे धा धिन तिरकिट, ताता धिन्ना तिरकिट, धा धिन तिरकिट, ताता धिन्ना तिरकिट, धा धिन तिरकिट, ताता धिन्ना तिरकिट, धा। तो थोड़ा सा आप नज़दीक करके, एक आध आदमी ये भी रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा तबला नज़दीक में, तो ये देख लीजिए आप, वैसे मालूम है तिरटे कैसे बजेगा, तिरकिट कैसे बजेगा, सारा चीज़ तो आप लोग को लेसन के जरिए मिला हुआ है, लेकिन फिर से देख लें थोड़ा सा नज़दीक से कि करना कैसे। धा धिन मालूम है टेटे, धा धिन टेटे, ताता, यहाँ यहाँ मारना है इस पोजीशन में आगे, और ये तो सिंपल है, ताता, एक साथ हो, प्रैक्टिस याद नहीं हो पा रहा है पहले इससे प्रैक्टिस कर लें, हो रहा है तो फिर ऐसे कर लें, ताता धिन्ना टेटे, पूरा देखें, धा धिन टेटे, ताता धिन्ना टेटे। अब तिरकिट जिनका तैयार है तो थोड़ा सा एक उठान लेके इसको बजा सकते हैं, धा 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 धिन टेटे, ताता धिन्ना टेटे, धा 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 धिन टेटे, ताता टेटे, और धा तिरकिट ता तिरकिट अगर ये तैयार है तो बीच में लग्गी के रूप में भी कई जगह यूज होता है, धा तिरकिट ता तिरकिट, ता तिरकिट, धा तिरकिट, ये बोल है, लग्गी है, धा तिरकिट ता तिरकिट, ता तिरकिट, धा तिरकिट। तो इसको बीच बीच में आप म्यूजिक बज रहा है या कुछ ऐसा लाइन मोड़ आया गीत के अंदर, वहाँ धा तिरकिट ता तिरकिट, ता तिरकिट, धा तिरकिट, धा तिरकिट, ता तिरकिट, ता तिरकिट, धा तिरकिट, धा धिन टेटे, धिन्ना टेटे, धा धिन टेटे, धा धिन्ना टेटे, धा धिन टेटे, धा धिन्ना टेटे। बहुत सारा प्रकार है, लेकिन पहले इसके बेस को तैयार करें और जब ऑब्जर्व हो जाए तो रिप्लाई जरूर करें, समझ में आ जाए रिप्लाई करें, ताकि इसके वेरिएशन की तरफ हम लोग चलें। तिहाई है, बहुत सारे ढेर सारे लगी हैं, प्रकार हैं, और दादरा का इसके बाद सेकेंड लेसन जो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसके तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसका रिप्लाई जरूर करें, देखें, शेयर करें और संगीत से जुड़े रहें, संगीत में मगन रहें। थैंक यू।